गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं काफ़ी अच्छी, उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आ चुकी यूनिवर्सिटी। पीछे का बैकग्राउंड देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों के बाद इस क्लास में दिखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी पीपीटीज होती हैं। पीपीटी हो चुकी है स्टार्ट, अब है वो आर और पार का फैसला। जिसकी पीपीटी डी वो पार, और जिसकी पीपीटी गलत वो एक री ले लेगा और अगले साल फिर से यूनिवर्सिटी में आएगा। तो बस भगवान की दया से मेरी आज पीपीटी सही हो जाए और बाकी देखते हैं। और जो ऐसा है कि सुबह सुबह की शुरुआत है, सब घर से ब्रेकफास्ट करके आए, पर हमारी मीनाक्षी इतनी ज़्यादा बिजी है कि ये नहीं करके आई, और सोड़ लगी हुई है और मुझे पूछती है खाएगी। मैं करना बहन अभी तो कोई दिमाग में भी नहीं है ये चीज़, और मेरी आज सेकेंड ही बारी आ जाएगी। क्या हूटिंग? क्या मैं गाना सुनाऊंगी? बकवास करे, मेरा हौसला बढ़ाना। कहती मैं तेरी पीपीटी है ना, आज हूटिंग करेंगे। प्रवेश की कब आई? प्रवेश तो कल से कोशिश कर रही है देने की, पर इसकी रोल नंबर का 67 है। ये दे कैसे देगी जब 20-20 बच्चे दे सकते हैं? अब भगवान जाने ये पता नहीं क्या ही अटरम करी करी। मैं तो आज दे दूंगी, कल से गैल पड़ रही है, आज दे दूंगी। मैं कहा बहन तो रुक जा, क्यों अपनी पीपीटी कैंसिल कर रही है? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक सर थोड़ा डाउन हो जाते होते, चलो ठीक है कर दो। शुरू तो स्ट्रिक्टनेस रहती है, और मैं तो बीच में हूँ, ना डाउन ना स्ट्रिक्टनेस। अब देखते हैं क्या हो। तो भाई सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। पीछे ये देख लो, ये सब देखेंगे जूनियर्स हमारे, 101 बच्चे हैं। हाँ जी, तो भाई ये जो थी ना हमारे जूनियर से, हम मेरे से पूछने आए थे कि कुछ एक्टिविटी करनी है क्या आपको? मैं रुक जाऊँ, आज तो एक्टिविटी अभी दिखी जाएगी, मेरी एक पीपीटी हो जाए, उस पाँच पार्टी की सोचेंगे। आज की टेंशन तो बड़ी भयंकर है सच में। आज के बाद फिर पार्टी की तैयारी, हमारी पार्टी आ रही है, ब्लॉग में बने रहा करो, और अब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। और मीनाक्षी का मुँह देखो अभी कैसा, टेंशन से भरपूर। बेटी इसकी थी तो कल है, परसों तेरे साथ। वाह, ये जो बच्चे होते हैं फर्स्ट, आगे आगे के रोल नंबर वाले भी फंसते होते हैं, पीछे ही होना चाहिए रोल नंबर भी। मेरा कहीं जाके 20 की सीरीज में, इनका 6 की सीरीज में। जिसको मिल सकता तुम्हें? ओ प्लीज, सर ने कल बताया था, लास्ट में थी ना कल, सर ने, तू चली गई थी तो सर ने कहा था 1 से 20, तो मीनू गई। सर मेरी कब ऑप्शन खोले, 1 से 20 सब हो चुकी है, तो लास्ट में होगी। अब लास्ट आज जो बच्चे हुए हैं सबकी लास्ट में। ओ माय गॉड, हमारे पास ये है कि हम दो से बात कर सकते हैं। बहन, और जिसकी उस दिन भी रिजेक्ट होगी तो मेरे को लास्ट तक साथ नहीं दिखाना यार। भाई सच में डर लग रहा है, अब सर पता नहीं कमाएंगे। तो गाइस अब पीपीटी होने वाली है स्टार्ट, पर उससे पहले कुछ मीठा हो जाए, बेसन के लड्डू। अब पता नहीं सर कब आएंगे, इतने मैं खा लेती होती हूँ। बच्चे मुझे देख रहे हैं कि कितनी चिल आउट होके देगी पीपीटी। तो ये हमारी पीपीटी स्टार्ट, और शांति का माहौल है एकदम, और स्टार्ट हो चुकी है। मेरा रोल नंबर 2-3 रोल नंबर्स के बाद आ जाएगा, और सर हमारे लोग आगे बैठे हैं, सारे बच्चों को बिठा दिया सर ने एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंट। सर ना बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पीपीटी कैंसिल हो रही है बच्चों की। मेरी बारी आने वाली है, डर लग रहा है सच में, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कभी मैं पीपीटी की तरफ देख रही हूँ, कभी सर की तरफ। ये देखो गाइस, ये मेरी पीपीटी खोल के सर बता रहे हैं कि ऐसे पीपीटी बनाओ, इनको बताया सर ने। फाइनली मेरी पीपीटी हो गई गाइस, और मैं बहुत खुश हूँ, साइन भी हो गए, और यस साइन भी हो गए मेरे। और सच में ना वहाँ जाके ना बोलन जा रहा था, तो जबान खिंच गई थी मेरे, सर कह रहे अरे तुम आई तो आवाज बहुत बोलन है, ब्लॉग में भी बहुत बोलती रहती हूँ, अब कहाँगी आवाज मैं का सर। फिर मैं बोली खुल के, और क्लास के बच्चे थोड़े चिढ़ भी गए थे मुझसे, किसके साइन कैसे हो गए, चिड़ोकले बालक। तो गाइस पीपीटी होगी डन, मैं आ गई थी घर की तरफ, और बस से उतर भी ली, और मौसम इतना सुहाना हो रहा है, पीछे देख रहे हो बादल इतने मस्त मस्त से, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की पर ज़्यादा नहीं, हवा चल पड़ी, आंधी भी चल रही है,
सही मजा आ रहा है। ऐसा मौसम रोज करते कि मैं घर से आऊं और मौसम ऐसा होया भाई, वाह सॉरी यूनिवर्सिटी से आऊं और मौसम ऐसा होया भाई, बाकी धूप निकलने वाली है, इससे पहले मैं घर पहुंच जाती बस मैं पहुंचने वाली हूँ घर, और घर जाने के बाद बहुत सारे काम है क्योंकि मुझे कल जाना है कहीं भिवानी जाना है कहीं, तो क्या तो वहाँ की पैकिंग करनी है और भी छोटे मोट बहुत सारे, और मेरे से पैकिंग कतई बस की नहीं है, मैं इधर उधर जाती हूँ, क्या तो मैं इधर वाली मम्मी पैकिंग करती है और क्या उधर भिवानी वाली मम्मी, वह क्या सामान गुड़ 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 करने लग रहा है, मन तो कर रहा है उतार दूँ, फिर सोच रही हूँ घर तो बस अब पास आ ही गया घर जाके उतारूँ। गाइस देखो इतना प्यारा मौसम हो रखा है फिर भी लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, और पता है पीपीटी देख के जी राजी हो गया मेरा कि चलो पीपीटी होगी नहीं, तो पता है हमारे यहाँ अगर पीपीटी रिजेक्ट हो जाती है तो सीधा 5,000 रुपये लगते होते हैं, तो बस और वो भी अगले साल रीलो 5,000 रुपये भी दो। घर पे आई हूँ, ताड़ा लगा पाया, चाबी मांग के लाई हूँ अभी साइड वाले जो अंकल हैं हमारे उनसे कि हमारी चाबी उन्हीं के पास ही होगी, वो फोन करके देखा पापा को नेटवर्क क्षेत्र से बात, ये वो नहीं होता मोए मोए इसको बोलते होते, मैं कह दी ना अभी कि सब घर से बाहर नहीं निकल रहे, मैं ही घर से बाहर होगी कोई भी नहीं है घर। एक्चुअली पापा मैं आज सुबह गए थे पापा की आंखें दिखाने के लिए, तो अभी तक आए नहीं है, लेट हो गया हूँ, डॉक्टर लेट मिला होगा, इस हार गए थे चैन की सांस से, और आंधी के कारण ये देखो कैसे हुआ हुआ है और सब मिट्टी मिट्टी, काश मम्मी होती तो साफ सफाई कर लेती है, मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगी, पहले मैं थोड़े पसीने सुखा लूँ, क्या होता है मम्मी हो रही है आप भी जाएँ, और एक बार फ़ोन करके देख लूँ दोबारा से जी मौसम कैसा ही हो, पसीने प्लस भी आ ही रहे हैं, चिप 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 हो रही है पसीने प्लस मिट्टी, अब पैकिंग क्या लगूंगी, पहले तो सोचो पहले सारा बेड पे रखूंगी सामान जो जो लेके जाना है, और फिर उसके बाद पैकिंग स्टार्ट। वाह कल से गाइस आप लोग देखते जाना व्लॉग, बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, बने रहो व्लॉग में, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर लूँ ओके सॉरी गाइस मैं ऊपर आई थी जाल लगने के लिए, भगवान ने धूप निकाल दी, अब क्या फ़ायदा है जाल लगने का ना, नहीं तो 5% ढक जाती, हाफ ढक जाती होती हूँ, पूरा नहीं ढकूँगी, फिर मुझे खुद को एक गर्मी लगने लग जाती होती है। मेरे पापा का फोन आया, जाल ढक दे और चूल्हा ढक दे, ये तो मैंने काम आते ही कर दिए थे, चूल्हे वाला तो और झाड़ू भी निकाल दी नीचे, आई एम सो अच्छी सो अच्छी, धूप फिर गई है ना, और कोई थोड़ा सा कर देते होते नाम मात्र का ढक दिया, मीठा है मम्मी मीठा है, इस सीजन का तो पहला तरबूज अपना कटा है, मम्मी देख लो यूं लग चुके सारा, मम्मी ये खाओगी तरबूज खरबूजा सब के ले गए बैठे हैं पापा ये करी मम्मी को तो नाम नाम है, खाओ को नहीं कुछ सब तगड़ा आप खाओ, पहले गणा काट दे फिर उनको की तम खान दे वो नहीं उनको आ दे। तो गाइस कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा ना थक गई हूँ और मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा ना मम्मी, मैं अभी रात में सोई सब ने नहीं आजकल का जमाना ही हो सब ने बस अपना ही दिखा है मम्मी मैं यूं कहूँ है ना मम्मी अरियान को है, हाँ मैं भी कौन सोई ये आ फुटका सुने मन है अरे मेरी आंख उजड़ गई 2-3 बजे जित की मैं जागो हूँ और फिर सफर करके आई इस आ गई तो फिर उसमें सफर करके आई तो थक गई हाँ। और उस पाछे मैं गई थी प्रेम नगर हाँ। फिर मैं आई हाँ। फिर उस पाछे मैंने झाड़ू मारी फिर उस पाछे आप लोग आए फिर मेरी मम्मी के छोटा चक्कर मेरी मम्मी लाई थी गोलगप्पे हमने गोलगप्पे खाए फिर उसके बाद हमने खाए तरबूज फिर खाया खरबूजा फिर मेरी मम्मी के चक्कर उतरे हैं देख लो इतना खाए चाय पी फिर खाना फिर रेस्ट थोड़ा सा मम्मी रेस्ट भी कराया था आपने फिर मेरी मम्मी नींद अवस्था में थोड़ी सी देर हूँ मेरे को देख रही है हाँ काम करे तो है नहीं फिर सो जाए
फिर काम करे थे नहीं फिर सोचे फिर वही सब काम हो गया। फिर उसके बाद मैंने करी है पैकिंग, खाना खुना खाने के बाद कर ली पैकिंग, और ये रहा मेरा बैग जो कि फटने को हो रहा है एकदम प्रॉपर, क्योंकि भैया मैं थोड़े दिन वहीं पे रहूँगी और पार्टी भी मेरी वहीं पे ही है, तो काफ़ी सारा हो गया सामान। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड नाम मैं यहीं पे करती होती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से पैकिंग करी है यार, सच में कभी कुछ ढूंढ रही हूँ कभी कुछ ढूंढ रही हूँ, और फिर मैंने भिवानी वाली मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी आप मेरे से ना ये पूछो तो नहीं ये डाल लिया ये डाल लिया, फिर मैं बता दूंगी कि हाँ मैंने ये डाल लिया, फिर मेरी पैकिंग हो जाएगी। कड़े भी ले लिए जो जो सूट की मैचिंग के थे, कुछ दिन मैं वहीं पर रहूँगी ना, और बाकी चाह भी चढ़ रह जाऊँगी हॉय कल सुबह, मेरे को आज पूरी रात नींद नहीं आने वाली, सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, फिर उसके बाद काम कुम करके थोड़ा बहुत कल और झाड़ू पोछा करके फरार, बाकी मुझे झाड़ू पोछा वहाँ पे भी करना ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, काम वाली बाई हूँ झाड़ू पोछे वाली, इधर भी झाड़ू पोछा ही तारीफ करो मेरी, इसका मतलब फिर आप ईब करी जाओ कल तो मैं जाऊंगी, आप मैं मिठे लपोसे ना लाओ कल तो मैं जाऊंगी, कहते न सकती हो इसकी तारीफ करूंगी एक दिन और डट जाएगी आप, जाऊंगी जाऊंगी। अच्छा अच्छा कोई ना मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी, आ जाऊंगी सच में। हाँ तो भाई ये सासू बहू की बातें ऐसे चलती रहेगी, लाइक अच्छा ठीक है एक हफ्ता रुक आऊंगी भाई, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, बाय बाय।